अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारूक आज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप अब खैरियत से होंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक अपडेट लेकर एक मलूना ने एक बार फिर हजूर सलाम की इज़्ज़त व नमूज पे हमला किया है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, इन्होंने नबूवत का दावा किया है। एक मलूना औरत ने सरगोंदा रोड बाईपास पर एक मलूना औरत ने नबूवत का दावा किया है, जिस पर PP 108 के अमीर तरीके लबैक पाकिस्तान चौधरी नवीद शफी और दीगर जिम्मेदारान ने फौरन एक्शन लिया और इस मलूना को पुलिस के हवाले करने के लिए उन्होंने रब्ता किया और पुलिस ने इस मलूना औरत को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दी गए हैं। और अगर पुलिस कोई इदारा आसिया मलूना केस की तरह अगर दोबारा इसी तरह की बदनीति करता है तो तरीके लबैक पाकिस्तान और जितने भी मुसलमान जो हजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं वो तैयार हैं। इंशाल्लाह तरीके लबैक पाकिस्तान जल्द हंगामी तौर पर अपना लयअमल देने के लिए तैयार बैठी है। और उसके बाद CPO SPO का भी बयान आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बयान सुनकर मैं खुद मुतमईन हो चुका हूँ कि वाकई इंशाल्लाह इस मलूना को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और इंशाल्लाह इस मलूना को सज़ाए मौत दिलाई जाएगी और इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर CPO फैसलाबाद की तरफ से इस मलूना को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए वादा किए गए हैं। और इसने कहा है कि मैं अपनी माँ का दूध हलाल करके इस मलून औरत को उसकी सर पर उन्होंने लबैक या रसूलल्लाह की सदाएँ बुलंद करवाई। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि इस मलूना शख्स को इसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। मज़ीद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और ब्लैक आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा आपस में रब्ता जुड़ा रहे। तब तक के लिए फ़ारूक आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।